गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? तो यार नाश्ते बन रहे हैं आज, बेसन का चीला। कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ इजी सा। तो इसमें प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ये सब काट लिया मैंने, बस वही है सिंपल सा। और बस दे देते हैं हस्बैंड को और मैं भी खा लेती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज दिन है मंगलवार और कल कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मन नहीं था बनाने का, तो कल मैंने रिलैक्स किया था। और अभी जो है नाश्ता पानी हो चुका है, साफ सफाई भी सब हो गई है, तो दोबारा से जीनू ने बेड जो गंदा कर दिया तो उसको सही कर दिया। और देखो आज जीनू ने और मम्मी से बोल के और ये लिया डोरेमोन, है ना, और नीचे बैठ के बबल फुला रही है नीचे और गंदा कर रही है। पूरे फर्श पे निर्मा निर्मा हो जाएगा जीनू, वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाएगा। एक तो इतने सारे टॉयज है ना जीनू के कि समझ में नहीं आता कहाँ रखे। ओह सारा फैला दिया जीनू आपने, मुझे पता था फैला दो, उठा यहाँ से कपड़ों पे लग जाएगा। अब ये भी फैला लो अपने ऊपर। तो यार साफ कर दिया मैंने, सब गंदा करता रहता है, बच्चे ऐसे करते हैं। अब 2 मिनट में अंदर गई है, अंदर वाला बेड सारा खराब करेगी, ऐसे करती है पूरे दिन। बट कोई नहीं, बच्चे क्या कर सकते हैं। और नाश्ता हो चुका है हाँ, बट लंच नहीं किया है, तो मैं सोचूँ लंच बाद में करेंगे, भूख भी नहीं है। लंच करने से पहले सोच रही हूँ बनाना रखे हुए काफ़ी सारे जो जीनू को कन्या में मिले थे, बट कोई खा ही नहीं रहा है क्योंकि मैं वैसे भी कम खाती हूँ और काफ़ी सारे जीनू का ही मन नहीं कर रहा खाने का। तो सोच रही हूँ उसका शेक बना देती हूँ, बनाना शेक, तो वो आराम से पी लेंगे। तो चलिए बना लेते चल के, फिर उसके बाद नीचे जाऊंगी खाना लेके आऊंगी और फिर खाना खाएंगे। अरे मैं खाना भी नहीं लाई हूँ। वो यार थोड़े थोड़े ना ब्लैक से पड़ने लग गए हैं क्योंकि खाता कोई है नहीं हमारे घर में। देखो ये वाला सही है ना अंदर से। आधी आलू दी है मेरी, थी डालो मिल जाएगा। जीनू के तकल लगा, जीनू डर गई। बटन ऑन हो रखा था, वहां से भी ऑन हो रखा था, एकदम से अपने आप मिक्सी चल गई। जीनू डर गया, डर गए। हाँ डर गया ना, मैंने तो दोबारा चलाते हैं ठीक है, लॉक भी कर देते, पहले लॉक भी हो पाया था सही से। देखो भाई जीनू का बन गया बनाना शेक। अच्छा पापा को भी दे दूं? यार मैं ले हूँ खाना, जीनू गिर मत जाना खाने पे। खीरे पे चपटती है सबसे पहले, और ये रहा खीरे का रायता। खा लो के सब बिगाड़ देगी खाना। देखो ऐसे टॉयलेट की खीरा खाती रहती है। और ये देखो मैंने वाली चादर भी सुबह बिछाई है क्योंकि जीनू मैडम ने जो है इस पर दूध फैला दिया था सुबह, और जबकि है ना जो पिछली वाली थी ना वो भी अभी बिछाई थी कुछ टाइम पहले, आपको ब्लॉग में दिखाई हुई था, उल्टी करने थी यार 3-4 दिन हुआ, अब दूसरी चादर भी बिछाई। देखो तो ये जो जीनू मैडम है ये बहुत कलाकारी दिखाती हैं। तो यार आज बना रही हूँ मैं करेले, सीजन के पहले करेले हरिया में डाल के, तो फटाफट से तैयार कर लेते मसाला। यार सीधा ना शाम के टाइम पे मिल रहा हूँ आप लोगों से,
और साइड में कुकर में मैंने रख दिया दाल, अरहर की दाल बन गई। और एकादशी है तो चावल तो नहीं बनाऊंगी, अरहर की दाल रोटी और करेले हो जाएंगे, क्योंकि करेले जो हैं जो वो ना अरहर की दाल के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर वही बना लिया मैंने। और बस सीजन के पहले करेले। और ये आम ही काट रही थी मैं, तो मैं समझ में नहीं आता 3 काटू 2 काटू, ये थोड़ी लाल लाल सी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको ना खा के देखती हूँ, हो सकता है थोड़ी मीठी हो, बट बहुत खट्टी थी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मीठी नहीं थी। तो फिर मैंने 2 ही काटी, एक मैंने रख दी, मैंने कहा 2 ही काट लेती, हो जाएगा इतने में खट्टा। और बस सारा मसाला ना इसी में करके पीस ले दी, क्योंकि आमी तो मुझे पीसनी है, हरी आमी, तो मैंने सोचा इसी में सारा डाले तो मिक्स भी हो जाएगा अच्छी तरह आपस में और पिस भी जाएगा। तो सूखे धनिया जो थे वो सूखे धनिया डाल लिए, साबुत थे धनिया, तो बाकी सब चीज़ तो पिसी हुई है ही, बट यह है कि मिक्स हो जाएगा। नमक मैं बाद में डालूँ, क्योंकि अभी मुझे ना अंदाज़ा नहीं होगा कि नमक कितना क्या डालना है, तो जब ये पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर नमक डालूँगी। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है, और बहुत यम्मी करेले बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और ये तल के और मसाला भर के जो बनते हैं ना, ये वैसे ही बहुत अच्छे बनते हैं, कड़वापन सब निकल जाता है। और अब मैं इसमें डाल लूँ नमक, वैसे तो प्याज वाले ही बनते हैं, बट मैंने कहा सिंपल ही बना लेती हूँ, हमारे घर में मोस्टली सिंपल ही बनते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार ना प्याज वाले भी ट्राई करूँगी, क्योंकि यार प्याज वाले तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मसाला भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसमें अब मैं भर लूँगी, बड़े बड़े करेले जो थे उनको मैंने कट कर लिया बीच में से, क्योंकि ज़्यादा बड़े ना फिर खाने में भी होता है, कई बार इंसान को थोड़ा खाना होता है फिर वो पूरा बर्बाद होता है, तो इसलिए फिर बीच में से कट कर ले रही हूँ और चीरा लगा दे रही हूँ। और अब इसमें ये जो सारा मसाला है ना, इसमें सारा मसाला भर लूँगी, अगर बचेगा तो बच जाएगा, जितना हो पाएगा उतना कर लूँगी, नहीं तो और सब्ज़ी में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मसाला मुझे ज़्यादा लग रहा था कि ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं, अब एक एक करके इसमें भर लेती हूँ। और मेरे पैरों में यार बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा इनको बैठ के आराम से ही करती हूँ ये काम, फिर रोटी वगैरह भी सेकनी होती है, तो इसलिए। और वैसे ही पता नहीं कि कुछ टाइम से ना मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब फीट जो है ना, तलवे जो होते हैं तलवों में दर्द होता है, और स्वेलिंग सी भी आ जाती है, तो मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखाऊंगी जाके क्या हो गया, पता नहीं कुछ टाइम से ही हो रहा है मेरे साथ, तो बहुत देर तक ऐसा खड़े होकर कंटिन्यू काम करूँ तो वो नहीं हो पाता मेरे से, तो इसलिए बस बैठ के फटाफट से जो मसाला है ये सारे करेलों में फिल कर लेंगे अंदर तक। और अब मैं इनको रख रही हूँ बॉईल होने के लिए कुकर में, और दाल भी बनी गई है, दाल में भी तड़का लगाना है, तो मैंने कहा छोटे कुकर में रख देती हूँ, बिना पानी डाले खाली करेले ही रख रही हूँ उसमें, क्योंकि पानी करेले ऑलरेडी छोड़ देते हैं, तो एक सीटी में ही हो जाएगा। ऐसे भर के बनाओ ना तो इनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मतलब अभी इनको तलना भी होगा हल्की गैस पे, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट ये है कि टेस्टी बनते हैं, और वैसे कच्चे छोंक दो तो वो जल्दी फटाफट से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया करेले, अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें दाल में तड़का लगा लेती हूँ अरहर की दाल में, और फिर उसके बाद आटा लगा के तैयार कर लेंगे। आज कोई वीडियो तो है नहीं अपलोड करने के लिए, अदरवाइज़ क्या होता है फिर मैं फटाफट से खाना करती हूँ, फिर वीडियो अपलोडिंग करती हूँ, उसके बाद फिर रोटी सेकती हूँ। वो दाल में लगा दिया तड़का हींग जीरे का, हींग ऑलरेडी डाल दी थी, या तो फिर जीरा डाल दिया और लाल मिर्च डाल दिए, तो बस अब लगा लूँगी आटा, और उसके बाद जीनू को दाल दे दूँगी थोड़ा, मम्मी जीनू को दाल पिला देंगी नीचे, क्योंकि वो ऊपर आ जाती है ना तो खेल में लग जाती है, ऊपर आके कुछ नहीं खाती पीती, तो इसलिए मैंने कहा नीचे दाल दे देती हूँ। और ये देखिए करेले भी रख दिए मैंने तेल में, हल्की सी मेथी डाली थी मैंने, उसके बाद फिर करेले डाल दिए डायरेक्ट, और ये ऐसे करेले ना थोड़ा सा तेल ज़्यादा पीते हैं, तो तेल इनमें ज़्यादा लगता है, और तेल ज़्यादा लगाएंगे तभी अच्छे बनते हैं, थोड़े से इनका जो वो होता है ना सारा कड़वापन वो भी निकल जाता है। तो बस धीरे धीरे करके इनको पलट पलट के सेकती रहूँगी मैं हल्की गैस पे, तो इनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गए करेले, ऑलमोस्ट क्या यार बन ही गए हैं, गैस को कर दूँगी मैं ऑफ। तो यार मैं ले गई हूँ खाना अपने लिए, अरहर की दाल रोटी, मस्त वाले करेले, और है चटनी धनिया की और आमी की, मेरी बिंदी शायद छूट गई, पसीना आता है ना तो पसीना पहुँचते तो बिंदी शायद तभी छूट गई है, अब यही हुआ करेगा, पसीना आया करेगा और बिंदी कहाँ चली गई पता ही चलेगा। तो चलो यार खा लेती हूँ खाना। तो बस यार खाना पीना खाने के बाद मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा एक थैली, और दही वगैरह जमा दिए सुबह के लिए, और ये कपड़े रखे थे तो मैंने कहा इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, कपड़े नहीं रख पाए थे,
और सुबह के लिए भी कपड़े निकाल के रख दूँगी। तो बस वही कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही है और बाहर चल रही है टीवी, मैंने सीरीज़ लगा रखी है एक्चुअली, ऑल ऑफ अस आर डेड, ज़ॉम्बी वगैरह हैं तो थोड़ी सी डरावनी है। और यार बहुत ना बड़ी बना रखी है, मतलब इतने टाइम से देख रही हूँ, अभी तक उसका एंड ही हो पा रहा है तो बहुत लंबी बना दी है। बट ये ना एक बार देखने लग जाओ तो ऐसा लगता है यार उसका एंड हो के ही एंड, मतलब देखें एंड कैसा क्या है। तो बस यही सीन है, वैसे भी एक दो एपिसोड में डेली देख पाती हूँ, ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ क्योंकि जीन उन्हीं देखने देती है, खेल में लगा लेते हैं उधर। और ब्लॉग का एंड भी करते हैं यहीं पे, आपसे मिलती हूँ अब कल। आज के ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और बस अपना ध्यान रखना, खुश रहना। चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।